अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेटामास्क वॉलेट से कोई भी क्रिप्टो क्वाइन बाइनेंस एक्सचेंज पे आप कैसे बेच सकते हैं, मेटामास्क पे आपको कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है, किस नेटवर्क की आपको फ़ी देनी होती है और बाइनेंस पे आप रिसीव कैसे करेंगे, आपको एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस एप्लीकेशन से मेटामास्क वॉलेट पे कोई भी क्रिप्टो कॉइन कैसे बेच सकते हैं, तो उसके बाद आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि इस पे भी वीडियो बनाए कि मेटामास्क वॉलेट से हम कैसे ट्रांसफर करें अपने यूएसडीटी या कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाइनेंस एप्लीकेशन पे। तो काफ़ी सारे लोगों के पास ये इशू हो रहा था कि वो गैस फीस जो होती है, जब भी आप मेटामास्क से या ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफर करते हैं तो आपको उस नेटवर्क की फ़ी देनी होती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के पास ये इशू आ रहा है कि गैस फीस हम किस नेटवर्क में दें, कौन सा कॉइन हम सिलेक्ट करें, कहाँ से हम गैस फी के टोकन्स जो है या कॉइन से वो ट्रांसफ़र करें, तो ये सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे और आपका मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरी देखें, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करें, वरना हो सकता है कि फिर दोबारा आपके पास कोई और नया इशू आ जाए। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास मेटामास्क की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, इस पे वॉलेट हमने ऑलरेडी बना लिया था और कुछ ही यूएसडीटी हमने बाइनेंस एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र कर लिए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि मेटामास्क से ट्रांसफ़र करेंगे यूएसडीटी बाइनेंस के अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं 1.67 यूएसडीटी। अब मैं इन सब यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ बाइनेंस की एप्लीकेशन पर, ताकि ये यूएसडीटी मेरे पास बाइनेंस में आ जाए। तो जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो कॉइन आपके पास वॉलेट में पड़े हुए हैं, जैसे कि मेटामास्क वॉलेट में, वो कौन से नेटवर्क पे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखें, यहाँ ऊपर लिखा हुआ यूएसडीटी बीएनबी स्मार्ट चेन, यानी कि बीएनबी स्मार्ट चेन जो बाइनेंस का नेटवर्क है उस नेटवर्क में ये यूएसडीटी पड़े हुए हैं, जिसको हम BEP20 नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर BEP20 नेटवर्क में हमारे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं। अब BEP20 नेटवर्क किसका है? बीएनबी स्मार्ट चेन का है। तो जो आपको फीस देनी होगी, गैस फीस देनी होगी, गैस फीस यानी कि जो ट्रांजेक्शन फ़ी होती है जब आप यहाँ से यूएसडीटी ट्रांसफ़र करेंगे, वो आपको देनी होगी बीएनबी में, जो कि मामूली होती है मगर आपको देनी होती है। अगर आपके पास बीएनबी नेटवर्क नहीं है, कोई और नेटवर्क है, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ इथीरियम नेटवर्क है आपके पास, ठीक है, तो आपको फ़ी जो देनी होगी वो देनी होगी इथीरियम में। उसके अलावा काफ़ी सारे नेटवर्क होते हैं, आर्बिट्रम है, पॉलीगॉन है, पाम है, ऑप्टिमम है, यहाँ आपके पास TRC20 है, तो TRC20 की फीस आपको जो देनी होती है वो देनी होती है TRX कॉइन में। तो जो नेटवर्क आपके पास होगा उसी नेटवर्क की आपको फ़ी देनी होगी। तो यहाँ पे मतलब हमें चाहिए होगा BNB फीस देने के लिए। BNB हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये देखें हमारे पास $10 के BNB पड़े हुए हैं। अगर आपके पास BNB नहीं है, सिर्फ USDT है, तो आपको मैं सिंपल तरीका बता दूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर इम्पोर्ट टोकन करना होगा, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा BNB, ठीक है। जैसे आप BNB करेंगे तो आपके पास यहाँ पर BNB आ जाएगा, हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास BNB आ जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप रिसीव को प्रेस करेंगे और ये आपको एड्रेस मिल जाएगा, और यही एड्रेस आप बाइनेंस एप्लीकेशन पे दे दें या किसी और एप्लीकेशन में दे दें जहाँ से आपने BNB परचेस किए हैं, और वहाँ से यहाँ पर सेंड कर दें। बाइनेंस से कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जो हमने ट्रांसफ़र किए थे वो उसी वीडियो से ट्रांसफ़र किए थे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मसला था इंशाल्लाह हल हो जाएगा। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे हम यहाँ पर स्वैप कर लेते हैं, स्वैप करके हम कैसे कर लेते हैं, तो स्वैप के चक्करों में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, आप डायरेक्ट बाइनेंस या किसी एप्लीकेशन से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि स्वैप की अलग अलग फीसेज होती हैं, अलग अलग पैकेजेस होते हैं, जैसे कि मिनिमम आप $15 का कर सकते हैं, $20 का कर सकते हैं, फिर उनकी एक अलग गैस फी का चक्कर होता है, ट्रांजेक्शन का चक्कर होता है। तो सिंपली ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज से वायर कर लें, जिस नेटवर्क भी गैस फीस आपको देनी है, और यहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर लें, $1-2 भी आप ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आपका काम जो है वो बच जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, गैस फी का यहाँ पे जो मामला था वो यहाँ पे हल हो गया। अब हम चलते हैं USDT की तरफ, जो हमें ट्रांसफ़र करने हैं बाइनेंस के एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ टीथर USDT को, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे देखें लिखा हुआ सेंड एंड रिसीव, तो यहाँ से हम कर रहे हैं सेंड, सेंड के बटन को प्रेस करें। जैसे ही सेंड के बटन को प्रेस करेंगे तो देखें लिखा हुआ ट्रू, आप कौन से एड्रेस पे भेजना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा USDT का एड्रेस जो कि BEP20 नेटवर्क का हो, बाइनेंस से वाट चेन नेटवर्क का हो, वो हम लेंगे बाइनेंस के एप्लीकेशन से। चलते हैं बाइनेंस के एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर हमने बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर मार्केट की बात की जाए तो ये देखें यहाँ पर अभी हॉट जो कॉइन है वो ये चल रहे हैं, गेनर्स में देख लें तो ये कॉइन्स चल रहे हैं। अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ वगैरह चाहते हैं, तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है,
आपको काफ़ी सारे हो सकता है टेलीग्राम पे फेक ग्रुप भी मिल जाए मेरे नाम से वो चल रहे, तो उनको बिल्कुल इग्नोर करें। हमारा ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जो कि बिल्कुल फ्री है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइनेंस की एप्लीकेशन में आने के बाद आपको आना होगा वॉलेट में। वॉलेट में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डिपॉजिट, क्योंकि हम मेटामास्क सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे यानी कि डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पे आप प्रेस करें डिपॉजिट को। उसके बाद आपको क्वाइन सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वाइन आप डिपॉजिट कर रहे हैं। मैं यूएसडीटी कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पास कोई और क्वाइन, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे यूएसडीटी सर्च करता हूँ। जैसे ही आप क्वाइन पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास नेटवर्क्स आ जाएंगे, कौन से नेटवर्क का क्वाइन आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यूएसडीटी पड़े हैं, वो पड़े हैं बीएनबी स्मार्ट चेन के। अगर आपके पास टीआरसी20 में तो टीआरसी20 सिलेक्ट करें, अगर पॉलीगॉन में है तो पॉलीगॉन सिलेक्ट करें, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे देखें लिखा होता है कि मिनिमम डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं और अराइवल टाइम कितना होता है, तो ये चीज़ें सारी आप देख लें, क्योंकि काफ़ी लोग फिर कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि हमें रिसीव क्यों नहीं हुए, तो भाई इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इंस्टेंटली ये नहीं होता, आप 15-20 मिनट भी छोड़ दें, कभी कभी एक घंटा भी लग सकता है। वैसे ये 5-10 मिनट के अंदर हो जाती है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करें बीएनबी स्मार्ट चेन को, और यहाँ पे हमें एड्रेस मिल गया डिपॉजिट एड्रेस, इसको आपने कॉपी करना है और पेस्ट करना है मेटामास्क के वॉलेट पे। आ जाते हैं यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट पे, यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है। इसको मैं पेस्ट करता हूँ अपने एड्रेस को जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कितना अमाउंट यहाँ से सेंड करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करूँगा यूज मैक्स, जितने भी मेरे पास है भाई वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दो। इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखें यहाँ पे अमाउंट आ गया 1.67 यूएसडी में, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। और गैस फीस कितनी लगेगी मुझे, 0.00104 बीएनबी। ठीक है, ये एक मामूली फी होती है, मगर आपको बीएनबी में देनी होगी। तो ये तकरीबन ये कुछ अमाउंट बन गया 1.67 यूएसडी प्लस ये बीएनबी हो गए। इसको मुझे करना है सेंड। अगर आपके पास बीएनबी नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा कि आपको गैस फीस चाहिए। तो बीएनबी का तरीका मैंने बता दिया आपको कि आप कैसे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रेस करते हैं सेंड के बटन को। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन सबमिटेड, तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये ट्रांजेक्शन हमें दिखा रहा है सेंड यूएसडीटी। अच्छा, ये उसके बाद आई है, जब ये कंफर्म हुई है उसके बाद ही यहाँ पे शो हुई है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये देखें ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसको आप व्यू ऑन डीसीएस स्कैन पे भी चेक कर सकते हैं अपनी ट्रांजेक्शन को। ठीक है, कंप्लीट हो गई ट्रांजेक्शन, एक मिनट के अंदर कंप्लीट हो गई। हो सकता है सम टाइम आपके पास यहाँ पे टाइम लग जाए, और समटाइम ये भी होता है कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है मगर बाइनेंस पे प्रोसेसिंग हो रहा होता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। अब चलते हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पे और वेरीफाई करते हैं कि ये हमारे यूएसडी रिसीव हुए हैं या अभी तक पेंडिंग में है। यहाँ पे आ जाते हैं बाइनेंस एप्लीकेशन पे, इसको मैं बैक करता हूँ, को कैंसिल, तो रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ क्रिप्टो डिपॉजिट 1.67 यूएसडी प्रोसेसिंग। देखा, अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है और ये नोटिफिकेशन भी आ गया सक्सेसफुल का। ये देखें यूएसडी, तो यूएसडीटी यहाँ पे हमारे रिसीव हो गए हैं, 1.67 यूएसडी आ गए जो हमने मेटामास्क वॉलेट से ट्रांसफर किए अपने बाइनेंस के अकाउंट में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी कि आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं क्रिप्टो क्वाइन मेटामास्क वॉलेट से बाइनेंस एप्लीकेशन पर। अगर आप कहीं भी फंसते हैं, कोई भी इशू आपके पास आता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। के अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पर बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।